समाप्तिकरण करा और राइट नो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा ग्रेगरी की डेथ किस तरह हुई, जो कि बहुत ही मिसफॉर्चुनेट थी मैन, लाइक क्रेजी, लाइक ये फैमिली इतनी मिसफॉर्चुनेट क्यों थी, इसका रीजन मुझे नहीं पता, बट क्या हमें लास्ट तक पता चलेगा, बिकॉज कुछ फैमिली के यहाँ पर सदस्य हैं जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, और उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कुछ ही देर में। और ये कैल्विन वाला जो था ना, झूले वाला मैन, ये बहुत ही हार्ट रेंचिंग था, नॉट गोना लाइ डूड, जिस तरीके से उसकी डेथ हुई बहुत ज़्यादा सैड था मैन, मैं गलत नहीं कहूँगा, और बहुत सैड ये गेम, नॉट गोना लाइ, बहुत सैड है। आई गेस मे बी पता नहीं, लास्ट में देखते क्या होता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं स्केलिन फ्रिकिंग दृश्य से प्रभोर। तो वी आर बैक ऑनलाइन, ग्रेगरी के यहां पर हम आ चुके हैं, दैट्स सो नाइस। ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, पीछे जाने का, कम ऑन बड़ी, कम ऑन, क्या मुझे यहीं पर जाना था? नहीं, एंड इसके म्यूजिक बहुत ही अच्छे हैं। हमने ये भी देखा किस तरह उसकी डेथ हुई, उसका नाम भूल गया, बट अच्छा, हम लास्ट एपिसोड में क्लाइम कर रहे थे क्या? मे बी इसके पीछे कहीं थे। At the time, it was as far away as she could get. India, let's go. India hai to. I can't imagine what it was like for her to lose two sons after she'd already lost two brothers. God damn. Do bhai fir do son. Dawn and Sanjay, okay. She spent a summer building houses in Kolkata where she met my dad, Sanjay. Kolkata, God damn, boys and girls, Bengal mein Sanjay. Acha, oh I see now. Iske father ka naam Sanjay hai, matlab mere father ka naam Sanjay hai yahan par right now. Water means of editing jo khel rahe hum. God damn, magar main ek aur family tree kholun to Sanjay yahan par. Okay. God freaking damn. नाइस, मैथमेटिक ज्योग्राफी इंडिया, फ्लाई टू इंडिया, जून 1987 की बात है, डॉन फिंच, सो नाइस। क्या ही खुलता है? ओ मैं बस ऊपर यही देखने गया था, दैट्स फ्रिकिंग इट, आई थिंक सो, और चीजें थी वहां पर, आई होप कि नहीं थी, या मैंने मिस कर दी, वेट लेट मी क्लाइम अगेन। ड्यूटीज यहाँ पर सारी चीजें हैं, डॉन का जैसे कि वो उस हमने लास्ट एपिसोड पढ़ा था, स्वीप ट्रैश तो कि बहुत ही क्रेजी, पूरी तरह रूटी, मुझे लगता है इनका खुद का स्कूलिंग भी था, ये लोग जाते भी थे कहीं पढ़ने, जाते थे आई गेस, मैं भी ऐसा नहीं कि इनका स्कूलिंग भी इधर ही हुआ है, मुझे पता है इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी, जिस एंड उस रिसोर्स का बहुत ही क्रेजी तरीके से इस्तेमाल किया गया इस घर को बनाने में, और unfortunately family ke sadasya kafi sare nahi reh paaye survive karte hue, but my mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Nice, you know, India mein to kafi aaram se inko mil chuki hogi job, iski mother ko English mein hogi, god damn. Sanjay yaad rahega, Louis jo ki mera bhai, missing posters. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Edie, agar main galat nahi, uski great grandmother thi. Like main bhul jata hu kafi jaldi. But Edie was used to that. Awesome. And for a while, things were good. Almost normal. Kuch time ke liye. Odin Finch. ये देख रहे हो, यहाँ पर फैमिली स्कूलिंग भी घर पे होती थी, देवा होम स्कूलिंग इज बेस्ट आई गेस। The beginning of the end was Milton's 10th birthday. Milton. When Edie gave him a castle. कैसल मतलब ये बना के दिया। Disappeared. The only thing he left behind was a room full of paintings. Bro. मिल्टन के बारे में जितना भी अभी हम पता है वो ये कि वो किसी फिशरी में काम करता था, बिकॉज अगर आपको याद होगा इसके बिगिनिंग में, गेम के बिगिनिंग में वो हमने एडिथ फिंच ने बताई थी यहाँ पर कि यार हम पक चुके थे उसके
मछलियां खाते हुए बिकॉज वो हर बार लेके आता कैनरीज आई गेस ये कह रहा था वो कैनरी में काम करता था वो। तो अभी उसके हम रूम में एंटर करने वाले देवी एंड सज्जनों लेट्स फ्रिकिंग गो एंड वी आर इन एंड वी आर फ्रिकिंग इन। इसका रूम कुछ ज्यादा कूल नहीं है कुछ ज्यादा कूल नहीं है एंड मेरे खुद का रूम मुझे कोई ना दे ऐसा अगर मैं खुद ना बनाऊं तो। द मैजिक पेंट ब्रश व्हाट इज मैजिक पेंट ब्रश बाय द फ्रिकिंग वे। इसके म्यूजिक बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं। क्या मैं इसको पलट सकता हूँ? Oh, yes I can. ये मैं बचपन में बहुत करता था खासकर ये बारिश वाला लाइक बूंद गिर रही है नीचे मुझे कूल लगता था ये। Oh wait, it is really awesome by the freaking way. बहुत ज्यादा ही बना कह रहा है वैसे मिल्टन। कितना वक्त लगा होगा ये इसको बनाने में। मैजिक पेंट ब्रश ऑसम 2003 I was 4 when Milton disappeared. तो मिल्टन के बारे में पता नहीं वो किस तरह क्या वो मर भी गया है या वो डेथ है या वो सर्वाइव कर रहा है किसी को नहीं पता बट वो मिसिंग है इतना हमें पता है। दैट्स फकिंग इट। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता है और जितना मैं देख के बता पा रहा हूँ अभी यहाँ पर इस वक्त। ओके तो हमें नीचे जाने गए। Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. वही बात है ना लास्ट एपिसोड में भी क्वेश्चन पूछा था लाइक कुछ पास्ट मेमोरीज या कुछ भी पास्ट एक्शन ऐसे होते हैं जो हम फेस करना ना चाहें जिसके कारण उसको कभी कभार ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादातर सिचुएशन में ब्लॉक करना बेस्ट रहता है बट मैंने लास्ट एपिसोड में यही कहा था क्या फेस करना भी बेस्ट रह सकता है लाइक वी डोंट नो येट लाइक मेरे को पता नहीं फेस करना भी सही सोल्यूशन है कि नहीं बिकॉज फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा करे चाहिए होगा और वो ड्रामेटिक जितने भी मेमोरीज है इवेंट्स है वो पूरी तरह हिट करेगी उसके बाद तो आई डोंट नो क्या वो सही सोल्यूशन भी रहेगा उसके बाद दोनों। Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Cannery, acha. Okay, I see. Now Milton is different than Louis. Louis hai. Mujhe laga Milton hai. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. Ha, Louis yahan par hookah baaz tha, boys and girls. Hookah rakha hua uske room pe. नशेड़ी था वो और सीढ़ी यहाँ पर टूटी हुई है इसी के साथ। कितने कूल कूल जगह में कितने क्रिएटिविटी के साथ इनके घर डिजाइन हो रखे हैं इनके रूम्स डिजाइन हो रखे हैं। मेरे ख्याल से बहुत कूल है ये बहुत ज्यादा मैं भी चाहूँ कभी किसी दिन। मैरिजुआना hey PlayStation 1 spent a lot of time playing games together but he was surprisingly bad at them he died a lot got example high school diploma can't read shit bro Louis Finch diploma that's fucking it locked locker contents okay Don's Finch 2141 Fireweed Road Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly substance sober, abuse. I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. I see now. Substance abuse karta tha, yeah. I mean, for sure, man.
देख ही पा रहा था मैं। That's okay, एंड्री में भिजवा दिया था उसे क्योंकि वो ड्रग अब्यूज करता था। वैसे his mind began to wander. क्या खेल रहे हैं? I asked him to describe it. God damn! दो गेम खेल रहा हूं यहां पर है बॉयज एंड गर्ल्स। Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. कहीं और ही ध्यान था ऐसे पता चलता है इसका काम करते वक्त भी। बस खत्म इधर ही। ए बॉस बैटल लेके इधर। एंड थिंग्स दैट हैव नॉट नेम्स। ही न्यू इट वाज ऑल इन हिज हेड। He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Bro, Dark Souls khel rahe to. Souls born baby. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. Oh no. But he said Lewis had become a model employee. Model employee. Methodical, tireless, focused. I see. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Hey! My dog! On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. God damn, मैं अपनी सिटी चला रहा था अपने दिमाग में। सिविलाइजेशन कर रहा था, community build कर रहा था मैं। And songs for them to play. उसका राजा मैं था, I guess. He talked about Lewis. Starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. He no longer spoke. उसने बात करना बंद कर दिया था सबसे. But his chopping was as reliable as ever. But अपना काम पे पूरी तरह ध्यान struck him. Effortlessly करता था. At all the cheering crowds, even the stones under his feet. Were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Election ladka. Oh my god. Jeet bhi kya main. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. इसलिए काफी देर तक काम करता था, because के दिमाग में गेम चल रहा था वह। New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Oh God, then वो अपने आप को धीरे-धीरे खो रहा था मैंने। उसकी मदर यहाँ पर आ रखी है।
बट वो इतना खो रखा था कि उसे फर्क तक नहीं पड़ा उसकी माँ है उसके सामने, उसको सुनाई तक दिया नहीं। In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Let's go. Handsome queen. अबे ये तो इंडिया है ब्रो, हिंदी वो हिंदी लिखा यहाँ पर। The queen was on her own quest for. By the way, handsome queen मतलब मैं शादी करने के लिए जा रहा था ना भाई। Radiant rainbows. क्या कर दिया मैंने? What the flip? He followed the sound of her. Oh no! Electric guitar, electric sitar. Let's go. Electric sitar. Awesome. Electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Hey, handsome queen is there, boys and girls, finally. Londa shaadi karne wala hai. All in his imagination. He was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Yehi to chahiye kisi bhi insaan ko apne perspective mein, man. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Oh shoot! And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon. But the one climbing the steps of the over difference matlab wo bhul chuka tha asli aur reality aur bole to virtual space mein difference create karna aur difference karna. It was hard to argue with him. Usne isi ko reality bana liya and main Kendra mein aata hu fir god damn reality ne struck kara kya kya began to forget the world we know. What the flip, you're the candy man. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Oh, finally reality mein aaya wo. He began to despise the man with a royal contempt. French. I still thought I could save him. Even oh no! He was being crowned king over all the lands of wonder. Oh no! ये मरने जा रहा है यार. The palace would be packed with his companions. शीश, ये कटने जा रहा है अपने आप को, काटने जा रहा है बॉयज एंड गर्ल्स जहां पर भी जा रहा है ये चीज, बट वो अपने दिमाग में कि उसे पता है नहीं कि ये कहीं और जा रहा है, उसे लग रहा है कि वो सही में अपने सब उसका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, वो एक राजा है, बट नहीं। Bend down his head. Boom!
गॉड डैम देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से अपनी जिंदगी खोई। ओह नो ब्रो, आई थिंक यू नो मिसेस फिंच, योर सन वाज अ काइंड मैन हु विल बी मिस्ड बाय ऑल ऑफ अस हु न्यू हिम। ओह शूट, गॉड डैम, ये और ब्रुटैलिटी का अगला जवाब नहीं था इसमें, लाइक गुलेटन हो गया बंदा वो। आई विश यू कुड हैव मेट हिम। शीश, सबका कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मैन, गॉड डैम, वो रियलिटी से पूरी तरह खो बैठा डिफरेंस क्रिएट करना, जिसके कारण उसने अपनी जिंदगी भी खो दी, उसको रियल लाइफ में कुछ वर्थ दिखा नहीं। क्यूट, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ऐसे कितने अभी भी रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, काफी इंडिविजुअल्स। She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. दोनों ही आसान ही था। I wish we'd stayed. But I understand why we left. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Last night? क्या हुआ था? उसके बाद हम यहाँ से चले गए, हमारी पूरी फैमिली। ओह। That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma. You know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edie, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Edith ne. जो ग्लव्स पहने थे उसके दादी के बनाए हुए थे यार, अब सभी ने नोटिस करे। Morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance, or that Edie had a key to it. And वो अभी भी पहनती है, and मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो उसके दादी के ही बनाए हुए हैं, या अगर नहीं भी बनाए हुए तो उसका वो उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है वो। And when you leave the house. उसे उसकी मदर को डर है कि एडिथ के साथ भी ये ना हो। आई गेस ये लास्ट सर्वाइवर है मैन। Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Oh no. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay. History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. मैं भी खो चुका हूं बे। For a while, I wandered. I started seeing things. Dude, हिरन, ये हिरन वही है ना? Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. Wait a minute, क्या है ये? That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Oh, I see now. ये इनका पुराना घर है जिसके वो जा रही थी वहां पर. Things I can't explain, but that I need you to try and. Edith, what are you doing in here? Oh no, पढ़ने ही नहीं दिया. अब ये फटने वाला है. Let go. For sure. I kicked and screamed, but. Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. She was already After gone? That, we moved around a lot. Meaning, wo pass away ho gayi ya unhone jagah hi chhod di? We both tried to make the best of it. A few years went by. ये गेम बहुत खूबसूरत है, नॉट गोना लाइ, बहुत ज़्यादा। My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Dawn Finch. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. Last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all.
Good luck. ओह मेन एडिथ फिंच की भी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। A story by Giant Sparrow. By the way, क्या मेरा नाम for Shirley Dallas? Who is she? कोई मेरी स्टूडियो की प्राउड मेंबर है। आयन डैलस। मेरा सवाल है कि मेरा नाम एडिथ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थ्रू आउट द गेम मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम एडिथ फिंच था। जिसको लास्ट में उसके बच्चे ने देखा, बच्चे ने पढ़ी, एज यू कैन सी वो कुछ छोटे बच्चे थे जिन्होंने उस बुक को बंद करी, उस डायरी को बंद करी। क्या ये रियल थी ये स्टोरी, मेरा ये पे सवाल है। मिल्टन ये गेम बहुत बहुत ज्यादा प्यारी और अत्यंत इमोशनल थी यार, बहुत ज्यादा। थियो ग्रेगोरी की याद आ गई मुझे इस मेंढक को देख के और डक को। बारबरा अन्नापूर्णा इंटरैक्टिव, अन्नापूर्णा इंटरैक्टिव इस टाइप के काफ़ी सारे गेम्स लाते हैं यार, नॉट गोना लाई, जो कि बहुत ही स्पेशल थिंग है डूड। सब डेवलपर्स नहीं करते, सब प्रोड्यूसर्स नहीं करते। सो ये गेम बहुत सालों से मैंने देखी रखी थी इसके बारे में, बट बस मुझे कभी टाइम नहीं मिला इसको खेलने का, एंड फाइनली मैंने खेली और हिट किया यार, ये हिट किया बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें। एंड खास करके अगर आपने अपने करीबी किसी को खोया हो तो बहुत ज़्यादा ही ये हार्ट हिट करेगी आपको बहुत ज़्यादा। लुइस फिंच, द एडिथ फिंच टीम। The end. The replay a story option is now available. Select edit to play from the beginning. awesome. Not gonna lie. Replay में क्या है? Oh, मैं किसी की भी story खेल सकता हूँ। मैं घुस की को खेली हमने? I think सबने खेली है।
या मैंने मैंने गुस की स्टोरी मिस ही कर दी बॉय जिंदगी की। तो गुस की स्टोरी खेल लेते बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे नहीं पता था मैंने मिस कर दी है। A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Hey, ये मैंने मिस कर दी बॉयज एंड गर्ल्स। Not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Hey, पतंग उड़ाता हूँ यहाँ पर मैं एंड करने के बाद। मेरे को नहीं मालूम था ये बचा हुआ है। Come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Yeah, अपनी दुनिया में व्यस्त मैं। Tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. शादी हो रही है यहाँ पर। वेट अ मिनट, कज ओके आई सी नो। और मैंने कौन सी स्टोरी नहीं मिस करी है, मैंने सिर्फ गर्ल्स की स्टोरी ही मिस करी थी मैंने। ओके ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Lol. God damn. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Thunder sounded much too close and full of angry power. God damn, poor chiro ke saath louder. Lol. Whoa. Whoa, tent monster. God damn, we have to fight it, boy. Oh no. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't until we found you. Guz. इसी के साथ उसने अपनी She never talked about him, but mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Sheesh. इसी के साथ हमने सारे जितने भी थे स्टोरीज देख लिए। डैम, बहुत ज़्यादा हार्डकोर था मैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने इस छोटी सी सीरीज को एंजॉय करी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो कि इस चैनल को हेल्प करेगा और आगे ग्रो होने में। अगर आपने एंजॉय किया तभी ये चीज़ें करना, बिकॉज तभी ये मैटर करेगा। थैंक यू वेरी मच इस सीरीज़ को देखने के लिए। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज़ में या ब्रांड न्यू वीडियो में।